नमस्ते मित्रों। अब अगर शरीर की कंडीशन की बात की जाए मित्रों, कि हमें पेट किस तरह का होना है, यानी कि भूखे रहना है या खा लेना है, तो आपको मैं बता दूं कि प्राणायाम के समय खाली पेट का परामर्श दिया जाता है। प्राणायाम के समय हमारा पेट बिल्कुल खाली हो तो अति उत्तम है। या भोजन अगर कर लिए, सपोज आप शाम में कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटा का गैप अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे डायफ्राम जो मध्य पट है, यहां बीच में आते हैं स्टोमिक के पास, और फेफड़ा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो डिवाइड कर रहा है डायफ्राम, इस पर एक दबाव अंडू प्रेशर आते हैं मित्रों। जब भी हम भोजन करते हैं तो ये दबाव 3 से 4 घंटा रहते हैं, जिससे पूर्ण गहरा श्वसन, जो हम डीप एब्डोमिनल ब्रेथ की बात कर रहे हैं, यह लेने में बड़ा ही कठिनाई होता है। तो आप यह गांठ बांध लीजिए कि प्राणायाम के समय आपका पेट खाली हो। अगर